हेलो गाइस, दिस इज़ मी जुनैरा महम। और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ तीन वीडियोस पे रिएक्शन दूं, क्योंकि जैसे ही वो मुझे व्हाट्सएप पे आए तो मेरा मिला जुला रिस्पॉन्स था। एक वीडियो तो ऐसा था जिसपे मैं इतना मुस्कुराई, इतना हंसी, और एक वीडियो ऐसा था जिसपे मैं बेहद दुखी हुई, और एक वीडियो ऐसा था जिसपे मुझे शदीद किस्म का दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए, सबसे पहला वीडियो आप देखिए। और जाली भाप वाला आ गया है जेरे अताब। महकमा सेहत खुशाब के हुकाम ने भाप से कोरोना के खात्मे का दावा करने वाले डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया है। डॉक्टर निजी क्लिनिक पर भाप के एवज 1,000 रुपया बटोर रहा था। डॉक्टर सज्जाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून MNA का करीबी अजीज बताया जा रहा है। डॉक्टर सज्जाद सोशल मीडिया पर भाप के जरिए कोरोना वायरस के खात्मे की तशहीर कर रहा था। एडिटर फॉरम राना अजीम से मजीद तफसीलात जानते हैं। राना अजीम साहब, ये असल में मामला है क्या? ये भाप कैसी है जो कोरोना का खात्मा करती दिखाई दे रही है? लेकिन ये कोरोना का खात्मे के एक जालसाजी की जा रही थी। एक ऐसी मशीन जो कि अक्सर ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होती है, उस मशीन को एक जापान की मशीन बनाकर ये डॉक्टर फ्रॉड से लोगों से रकम वसूल कर रहा था और 5 मिनट की भाप का इवज 1,000 रुपया ले रहा था। और ये स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपने आपको कह दिया डॉक्टर सजाद इसका नाम है, और ये खुशाब से तलक रखने वाली तहरीके इंसाफ की एक MNA जो है उसका ये करीबी अजीज है। और इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद काफी लोगों को इसी तरीके से लूटा, और लोग बेचारे कोरोना के खौफ से आते थे इसके पास, 1,000 रुपया देते थे, भाप लेते थे और 5 मिनट चले जाते थे। जैसे ये इतला 92 के पास पहुंची, 92 ने महकमा हेल्थ से रब्ता किया और महकमा हेल्थ की टीम ने आकर इसका जो क्लिनिक है उसे सील कर दिया है, मगर अभी तक इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। इसी तरह के ये तो एक सिंपल सा केस है, इसी तरह के कई जालसाज जो है मुतहर्रक हो चुके हैं। कई जाली पीरों ने भी जाली तवीज बना दिए हैं कोरोना के इलाज के लिए, और कई नीम हकीम जो है उन्होंने भी अद्वियात शुरू कर दी है। जापान वाले तो खुद हैरान होंगे कि उन्होंने ये मशीन कब तैयार की। बहुत शुक्रिया राणा साहब इस हवाले से अपडेट करने के लिए। की जो एडवाइस अभी आपने देखी है उसमें फौरी तौर पर अमल करते हुए हाजी सरवर साहब यहाँ पर स्कीम ले रहे हैं, और हमने ये बड़े नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, 5 मिनट का सेशन 1,000 रुपए में हम स्टीम दे रहे हैं। और ये जो स्टीमर है ये जर्मनी से लिया गया है और टॉप का स्टीमर है। इसकी खासियत ये है कि ये भाप को एग्जैक्ट वहां पहुंचाती है जहां पर ये वायरस जो है ना अपना क्याम करते हैं। तो सजाद आबिद ने जो भी चीजें बताई हैं उसके ऊपर फौरन अमल दरामद करते हुए भाई साहब यहाँ पहुंच गए हैं, इन्होंने 1,000 रुपए जमा कराकर तो ये अब स्टीम ले रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी है कि फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट बुक करवाएं शान क्लिनिक। अपॉइंटमेंट बुक कराने का नंबर है 0300-607-5152, और आकर भाप लें और कोरोना को भगाएं। आफरीन है ऐसे बेवकूफ लोगों पर जो इस तरह के डॉक्टर्स को सच मान के उनके पास चले भी जाते हैं और फिर उनकी मुंह मांगी फीस जो है वो उनको अदा भी करते हैं। और जिस तरह की भाप इनको मिल रही है, बिल्कुल ये भाप तो वो घर पे भी ले सकते हैं। स्टीम जो है वो घर पे लेना बल्कि ज़्यादा आसान और ज़्यादा सेफ है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो माली तौर पर किसी की मदद नहीं कर पा रहा तो एथिकली वो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए काम करे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसे फिरौन लोग भी हैं जो नाउज़ुबिल्ला लोगों को लूटने में अब भी लगे हुए हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि ये PTI के एक MNA हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, और बेहद अफसोस हुआ है। और ये PTI की बात नहीं है, किसी भी पार्टी से अगर इनका ताल्लुक है तो बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा, दूसरा वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इतना अमेजिंग है कि जब मैंने उसको देखा तो हंस हंस के मैं लोटपोट हो गई। तो देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, सब लोग प्राइवेट मैसेजेस रिकॉर्ड करवा रहे थे तो मैं भी वेला था, मैंने सोचा मैं भी करवा दूँ। तो बात ये है कि आप लोगों ने जो है ना वो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप लोग हुई इस काबिल, आप लोगों को सही डंडा मिला है। मैं देखता होता था कि वो जो है कुछ किसी ने हाथ में ब्लैक लेबल पकड़ी हुई है, किसी ने ग्रे गूस पकड़ी हुई है, कोई जो है वो लुई वितों पहन रहा है, कोई जो है वो गूसी पहन के फेर रहा है, कोई अरमानी पहन रहा है। हमें पता चले हैं पहुँचे हुए थे दुबई, वो किधर है सारे जो रमज़ान जैसे ही आता था कहते थे वो आई कॉन्ट बी इन पाकिस्तान ड्यूरिंग रमज़ान। हूँ नाच के बखाओ ना, हैं आए बड़े पार्टी करने तुम लोग।
तानू सही डंडा मिले है जानू, तुम लोग हो ही डंडे की कौम। हाँ सिंपल लाइफ स्टाइल नहीं गुजारते थे? अच्छा डी मैं सिंपल लाइफ स्टाइल नहीं गुजारते थे? चलो घर बैठो आराम से, आ गए कोरोना तानसे दिया करण। अल्लाह मियाँ ने सिस्टम का रीसेट दबाया, रीसेट। बड़े रातों को जीटियाँ करते, पार्टियाँ करते, चलो मसले कटो। हाँ दिन में 5-6 दफ़ा तुम लोगों ने वजू करना है, समझ आई है बात की? अरे बड़े पार्टियों पे जाने वाले, यही मैसेज था मेरा, नस जाओ। अच्छा देखें, ये जो शख्स है ना, इसकी वीडियो मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, ये व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो आया था और मुझे इतना मज़ा आया, इसका जो एक हिलेरियस चेहरा है ना वो देखने के बाद मुझे गोविंदा की पुरानी फिल्म्स याद आ गई हैं। गोविंदा का भी यही एक स्टाइल था, और जिस तरह से लग रहा है कि ये इतने दुखी थे अपने दोस्तों के स्टेटस से कि आज उनको मुसीबत में देख कर वो अच्छा सबक उनको सिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों वीडियोज़ में से, अभी हालांकि एक वीडियो रहता है लेकिन फिर भी आपने मुझे बताना है। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं थर्ड वीडियो की तरफ। कैसे हैं? आपने गौर किया कि सडनली जिंदगी में किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रही, इम्पोर्टेंस ही नहीं है? वो कोई उपलब्धि हो, कोई अचीवमेंट हो, मेरे पास इतनी कमीज़ें हैं, मेरे पास इतने सूट्स हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, या मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं देखो क्या करके दिखाता हूँ, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ, ये सब बेमानी से लगने लगा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो माँ भी नहीं है, माँ भी भाई के घर पे बैठी हुई है। सो एवरीथिंग इज बिकम सो अनइम्पॉर्टेंट, हम तुच्छ मात्र हो गए, तुच्छ मात्र, तुच्छ मात्र समझते ना, जीरो। हम जीरो, इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच गए थे, हमारे अहंकार के, हमारे एरोगेंस की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। हम अपने आप को खुदा, भगवान, गॉड समझने लगे थे, हमने मुहावरा ही बना लिया था, इज गॉड, इज गॉड। बट आगे सब औकात पे, जमीन पर मोहताज हो गए, सब डरे डरे से इधर अपने घर में डरे डरे से घूम रहे हैं, इधर उधर एक बिना बात के एक ऐसी हंसी जो आँख तक पहुंचती नहीं। मेरा मतलब आपको डिमोरलाइज करने का नहीं है, मेरा मतलब है कि ये मैंने पहले भी कहा था, ये अमृत मंथन है, इसमें जहर भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, पर जब अमृत निकलेगा और जहर चला जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपने आप को दोबारा भगवान, खुदा, गॉड ना समझने की कोशिश करें, हम अपने प्लैनेट के आसपास के लोगों की कदर करें, उनकी उनकी इज्जत करें, है ना? अनुपम खेर एक एक्टर हैं और नो डाउट एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं, और नो डाउट के उनके फिल्म्स की मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ। लेकिन जब वो बहुत बायस्ड होकर बात करते हैं, जब वो हिंदू एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जब वो कश्मीर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जब वो हिंदू पंडितों की बात करते हैं और मुसलमान कश्मीरियों को भूल जाते हैं, और जब वो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उनकी दोगलेपन पर बड़ा ही दुख होता है। क्योंकि अभी बैठकर वो किस तरह से बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो काश अगर आपको सच में एहसास हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको एहसास नहीं हुआ और अभी भी सिर्फ आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज भी फिरौन हैं, बल्कि फिरौन से भी बुरे हैं। क्योंकि फिरौन कम से कम जो भी था, जैसा भी था, कम से कम जैसा वो बुरा था अंदर से, वैसा ही वो बाहर भी था। आज के लोग ऐसे हैं
जो खुद को अच्छा साबित करते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, लेकिन अंदर उनके कितना गंद भरा हुआ है ये हमें तब पता चलता है जब हमारा उनसे पाला पड़ता है। तो ये तीन रिएक्शन वीडियोस थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और लाइट चली गई है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको रिएक्शन वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो फिर मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं आपके लिए किस वीडियो पर रिएक्शन करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली बार एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह निगेबान।